हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे और उसको लेकर के हम लोग ये सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। दूसरी वीडियो में मैं बना दूंगी कि कन्वेक्स मिरर का, बट ये सारे पॉइंट्स उसमें सेम रहेंगे, बस कन्वेक्स मिरर में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आउटर सर्फेस, जिसे कि हम लोग सिल्वर सर्फेस भी कहते हैं, सिल्वर्ड सर्फेस। और ये आउटसाइड जो मैंने डैश दिए वही क्या है, सिल्वर्ड सर्फेस है। और ये अंदर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, मतलब यहीं रे आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अगर रे यहाँ पे आएगी तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, सिल्वर्ड सर्फेस है। अब पढ़ते हैं कि पोल क्या होता है। तो जो सेंटर होता है मिरर का वो होता है पोल। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि सेंटर से लेकर के, मतलब जो सेंटर ऑफ स्फेयर होता है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे कि मिरर बना है। यानी सेंटर ऑफ स्फेयर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर से लेकर के पोल की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और प्रिंसिपल एक्सिस जो आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पोल तक जा रही है, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होता है, जब दो रेज एक जगह मिलती है वो क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकस